तो हेलो गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्या है। उसके बारे में पहले हम डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद फिर उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो इसमें जो डिफिनेशन है वो है, तो ये है स्टोरेज कैपेसिटी की डिफिनेशन, यानी कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन स्टोरेज डिवाइस। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई ड्यू टू दिस। ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रखती है वो। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डेटा होता है वो कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर जो है वो हमारे डेटा को बिट के फॉर्म में, जो सबसे डेटा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, यानी कि बिट, BIT। बिट का मतलब होता है 0 और 1। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कोई भी डेटा उसको जब दिया जाता है तो वो डेटा 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है, इसलिए इसको डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं। बिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद होता है 1 निबल। 1 निबल बराबर होता है 4 बाइट्स। उसके बाद 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट और 2 निबल तो ये होता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी की। जो भी डेटा होता है वो इनके फॉर्म में होता है, यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है। बिट का मतलब होता है 0 और 1, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद होता है 1 निबल। 1 निबल का मतलब होता है 4 बाइट, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, यानी कि 2 निबल। 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट, और 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और 1 TB का मतलब होता है कि 1024 GB, यानी कि गीगाबाइट। 1 PB में 1024 TB, टेराबाइट। 1 2D में 1024 PB, यानी पीटाबाइट। ये इतना जो MB यानी स्टोरेज, यानी जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, इसी को स्टोरेज कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। तो यहीं से अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया। अब इसके बाद